सरकारी इमारतों के अलावा जो दीगर इमारतें हैं वो भी बर्की कुमकुमों से गुब्बारों से मुख्तलिफ तरीक़ों से झंडे लगाकर सजाई गई हैं और हर चेहरे पर आपको खुशी और शादमानी जो है वो नज़र आएगी। लोग बहुत खुश हैं और उसकी वजह ये अलहदा बात है कि उनके मफहूम अपने अपने आज़ादी मनाने के अपना अपना तरीका है। हालाँकि ये तजदीद वफा का दिन है, बड़ा सीरियस है, इसका सैर व तफरी से ताल्लुक भी होना चाहिए, लेकिन कुछ वादे वईद सबको अपने साथ अपने अंदर के साथ अपने ज़मीर के साथ सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ये गार्ड साहब हैं जी, गुलाम रसूल साहब, कैसे हैं आप? जबरदस्त, ठीक है। तो 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? ज़बरदस्त मनाते हैं। क्या करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं क्या? झंडियाँ भी लगाते हैं और जश्न भी करते हैं और घूमते फिरते हैं। हाँ, घूमते फिरते हैं। कोई पैगाम आप देना चाहें 14 अगस्त का? पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से बोले ना यार, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सलाम अलैकुम हज़रत साहब। हज़रत साहब, आज़ादी का कोई पैगाम दें अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, फैमिली मेंबर्स को। पैगाम है कि जिस जो इस टाइम हमारे मुल्क के हालात हैं, हमें सबको मुत्तहिद और एक कौम के तौर पर जुड़कर इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। यूनिटी जो बाबा कायद ने फरमाया था, बेशक उनके मान इतिहाद तंजीम, सही फरमा रहे हैं जी, ये बिल्कुल ठीक बात। किधर जा रहे हैं? खाना खा के अभी आए। होते आज़ादी का की करना है? आज़ादी का सुबह जश्न मनावा, रात में 12 बजे स्टार्ट हो जाना। तो 12 बजने वाले हैं प्रोग्राम, तमाशा खत्म हो रहा है, 12 बज जाने। भी ना दो के हम भी आए। अच्छा, क्या करेंगे? क्या इधर नाच गाना करेंगे? कोई गाना आता है? अभी तो कुछ नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी हज़रत साहब, क्या हाल? क्या आज़ादी का पैगाम देंगे? सर, आज़ादी का पैगाम देंगे कि आज़ादी का मतलब है अमन, ठीक है। हमारे मुल्क में 14 अगस्त आई है तो हमें चाहिए कि अमन से रहें, भाईचारे से रहें, प्यार से रहें, यही पैगाम है मेरा। ठीक है जी, क्या कहेंगे जी आप? जी बिल्कुल सेम जो इन्होंने कहा है, बिल्कुल सेम चीज़ है। क्या आप करते हैं, झंडियाँ झुंडियाँ लगाते हैं, किस तरह तैयारी करते हैं? बहुत अच्छा फेस्टिवल हम करते हैं 14 अगस्त के वाले से। सुबह हम लोग एम्प्लॉय हैं, ये लॉयर हैं, वो अपने कोर्ट से जा रहे हैं, हम अपना कॉलेज से जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा। आप क्या करते हैं जी? स्टडी। आप इनको सजाते हुए देखते हैं? नहीं, पाकिस्तान साजरा देख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सूरत हाल है जी, यहाँ कुछ बच्चे भी हैं आज़ादी पे भी, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपके? ये बजा के दिखाओ, कितने का बेचते हो ये? 100 रुपये। 100 रुपये का? और आप पढ़ते नहीं हो? और ये देखें जी, नेक्स्ट जब 14 अगस्त होगा तो यहाँ तहरीक इंसाफ को 1 साल हो गया होगा अपनी हुकूमत को कंटिन्यू किए हुए, तो तब तक ये बच्चे अगर स्कूलों में ना जा सके और आज़ादी के दिन इन बच्चों की कफालत जो है वो संभालने वाला कोई नहीं, सोसाइटी में से भी कोई नहीं, लोगों में से भी कोई नहीं, हुकूमत में से भी कोई नहीं और पिछली हुकूमतों में से भी कोई नहीं, तो ये मुस्तकबिल है लाहौर का। और ये मुस्तकबिल, इनमें कोई बच्चा रस्तू भी पैदा हो सकता है, कोई बच्चा जो है वो बिल गेट्स भी पैदा हो सकता है, कोई बच्चा जो है बड़ा हुनरमंद पैदा हो सकता है, कोई बच्चा बहुत बड़ा आर्टिस्ट पैदा हो सकता है, कोई बच्चा जो है वो बड़ा बड़े अच्छे तरीके से कौम को सर्व करने के लिए किसी भी बड़े कोई आईओ हो सकता है, इनमें कोई नैब का या FIA का बड़ा तफ्तीशी इनमें बैठा हो, अगर इनको प्रॉपर केयर दी जाए इनमें से बड़े बड़े जीनियस लोग जो हैं वो भी निकल सकते हैं। क्या नाम है आपका? इरफान। आपका नाम क्या है? अकील। आपका नाम क्या है? शकील। तो आपको पता है 14 अगस्त है, ये क्या होता है? बताओ बताओ। इसको पता है? इसको पता है क्या होता है बेटा? आपको भी नहीं पता? बच्चों, 14 अगस्त को आज़ादी का दिन, तुम्हारा क्या नाम है? इरफान। हाँ, तो आप क्या बेचते हो? दिखाओ, यही बेचते हो? आप कितने का देते हो? 50 का। ये 100 का देता है? ये बड़ा। बड़े वाला है। इन बच्चों को भी स्कूल जाना चाहिए, मेरे साथ मिलकर आपने नारा लगाना है। और दूसरी बात, इन बच्चों की तालीम शऊर इतना इम्पोर्टेंट है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि जो ही ये बढ़ते जाएंगे इन्हीं फुटपाथों पर तो ये कमोडिटी ऐसी बनते जाएंगे जो किसी भी गलत हाथ में इस्तेमाल हो सकते हैं और उन अनासिर के हत्थे भी चढ़ सकते हैं जो मुल्क दुश्मन अनासिर है, लिहाजा इन बच्चों की केयर करनी चाहिए। सामने के बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली हसन। तो आप पढ़ते हैं जी? किस क्लास में? 9th क्लास में। और साथ ये मजदूरी भी करते हैं जी? किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? गवर्नमेंट एलिमेंट्री चनियोट। तो आप चनियोट से आए हैं जी? कितने दिन रहेंगे इधर? मैं यहाँ पे ईद तक रहूँगा। तो ईद तक क्यों आए इधर? यहाँ पे मामू हैं, काम करने आए। तो ईद के बाद घर चले जाएंगे जी? स्कूल बंद है अभी जी? बंद है। अच्छा, तो 14 अगस्त आप मनाते हैं जी? बिल्कुल मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? बहुत जोश और खरोश से मनाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? हुसैन कामरान। हुसैन कामरान, तो बेटा आप पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? 5वीं क्लास में। किस स्कूल में?
गवर्नमेंट एलिमेंट्री। किस जगह? फैसलाबाद। तो आप फैसलाबाद से आए हो मजदूरी करने? तो जाके पढ़ोगे? ए बी सी आती है पूरी? सुनाओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? ये क्या है? प्लास्टिक बलून। प्लास्टिक बलून आज़ादी के लिए तैयार करवाए? जी। तो आज़ादी क्या होती है पता है? 14 अगस्त क्या होता है? 14 अगस्त नहीं पता। नहीं पता। तो पढ़ते हो? जी। किस क्लास में? 2 में। तो मजदूरी भी करते हो साथ? जी। किस स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट में पढ़ता हूँ। गवर्नमेंट? जी। गवर्नमेंट स्कूल में। यार ये देखें आप कितनी ज़बरदस्त सूरत हाल है कि इनमें से बहुत सारे बच्चे मजदूरी भी करते हैं साथ तालीम भी हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कोई मिली नगमा सुना दो। समझ नहीं आ रही ना, जोर से बोल दो। थैंक यू सो मच जी। ये सूरत हाल है जी। और साथ आपको ये बताएं कि बहुत सारे मजदूर बच्चे आपको मिलवाए हैं जो पढ़ते भी हैं, पढ़ने का अज़्म भी रखते हैं और साथ साथ मजदूरी भी करते हैं, लेकिन इन रवायात को बदलना चाहिए। इन बच्चों को पढ़ाई का माहौल दिया जाना चाहिए, वसाइल दिए जाने चाहिए ताकि सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जा सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आपके? सही हाल है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नादिर। तो नादिर आप कहाँ से आए हो? हम कराची से आए हैं। कराची से आए हो जी। तो क्या करते हो आप? हम यही काम करते हैं भाई। पढ़ते नहीं? शुक्राना नहीं, कुछ भी नहीं, पढ़े लिखे हम। तो आज़ादी 14 अगस्त कैसे मनाते हो? मन जाती है बस, अल्लाह मनवा देते हैं। अल्लाह मनवा देते। हाँ जी भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे मनाते हैं 14 अगस्त? पता नहीं यार, कभी नहीं मनाई। क्यों? सो गए। क्या वजह? छुट्टी नहीं मिलती ऑफिस से? क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। सो के मनाते हैं? सो गए ईजी। अल्लाह गुला कोई नहीं करते? अच्छे खाने पकाते होंगे? नहीं, खाने कैसे पकाएंगे, कुछ नहीं, जो मिलता है खा लेते हैं, वैसे सो जाते हैं। बड़ी बदजौकी से मनाते हैं फिर तो? हाँ बिल्कुल, बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह सुकून से सोते हैं, 11 बजे सोए उठते हैं। सुबह 11 बजे? सुबह 11 बजे सुकून से सोते हैं। अदरवाइज आपके क्या मामूलात हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं आप? 5:30 बजे। हाँ, इसी वजह से फिर आप सुकून उस दिन करते हैं, आपने मजदूरी चूके करनी होती। हाँ जी, क्या हाल है? ये क्या है भाई, ये देखें जी कितने प्यारे प्यारे मास्क हैं, फ्लैग उस पर छपा हुआ है। क्या नाम है आपका? शबीर हुसैन। शबीर हुसैन, कितना कमा लेते हो आप? ये तो तकरीबन अपनी मजदूरी पे डिपेंड है, जितना मर्जी कमा लो। 14 अगस्त तो आप ये सारी चीज़ें लोगों को फरोख्त करके मनाते हो ना? जी बिल्कुल। तो किस इलाके से आप? मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से? बहुत सारा इधर जी मजदूर तबका भी है जो आज़ादी के मानी समझता है और आज़ादी मनाता है, लेकिन वो साथ अपनी मजदूरी, मेहनत मजदूरी के जो मामला हैं उनको भी जारी और सारी रखता है। एक शॉर्ट ब्रेक हम लेंगे, आप हमारे साथ रहिए।